महीनों से मम्मा को देख रही हूँ। इस डब्बे में पैसे छुपाते देखा है लेकिन कभी निकालते नहीं देखा। डब्बे में काफी रुपया इकट्ठा हो गए हैं, पर इस डब्बे में क्यों? मम्मा क्या है? मम्मा मैंने देख लिया। क्या देख लिया तूने? वही डिब्बा जिसमें आप हमेशा अपना पैसा छुपाते थे, मैंने आज देख लिया वापस। क्या छुपा रहे मैं? कुछ नहीं। हाँ चलो झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया मम्मा। अब जब तूने देख ही लिया है तो ये देख, अपनी देश की सभी औरतें इसी तरह पैसे रखती हैं, जो कि बुरे वक्त में हमेशा काम आता है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन रखना है तो तिजोरी में रखो, नहीं तो कबर्ड में रखो, इस सड़े सड़े पे और इस किचन में क्यों? अरे बाबा अभी तू बस कर, बकबक ज्यादा मत कर, मुझे बहुत काम है। तेरे पापा आज कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके लिए मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बना के विदा करना है। ठीक है जा, अभी तू अपना काम कर। डब्बा काफी भर गया है, कभी चॉकलेट पिज्जा के लिए जरूरत पड़ी तो चुपके से हाथ मार लूंगी, मम्मा को तो पता भी नहीं चलेगा। अरे अभी तू यहीं पे खड़ी है, गई नहीं? जा ना अपना काम कर। हाँ जा ही रही थी। अनु अनु उठ उठ अरे उठ ना, मैं उठी हूँ। वैसे तो मैं भी उठी हूँ ना, फिर पापा आने तो करेंगे क्या, गेम तो खेलेंगे नहीं, ना ही एक्सरसाइज करेंगे, तो बोर ही होने, उससे अच्छा मुझे सोन दे, गुड नाइट। उठ क्यों, मैं हूँ ना। अरे अम्मा किसी ने सच ही कहा है कि माँ कितना भी कर करके थक जाए लेकिन बच्चों को सिर्फ बाप का ही प्यार चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, सब मॉम से आप सबसे बेस्ट हो। हाँ माँ वो तो ऐसे ही कुछ भी कह देती है। बस बस अब मस्का मत लगा, मैंने सब सुन लिया। मस्का थोड़ी लगा रही हूँ, अब आप ही देखो, सुबह जब आप हमें उठाते हो पापा किस काम के, फिर आप हमें उठा के हमें नाश्ता देते हो उसमें पापा किस काम के, फिर लंच खिलाते हो उसमें पापा किस काम के, फिर डिनर खिलाते हो उसमें पापा किस काम के, फिर आप हमें सिलाते हो उसमें पापा किस काम के। बताओ पापा कहाँ है? इधर आप ही हो इधर, आप दुनिया की बेस्ट मामो है ना। एक मिनट, मैंने यही सेम डायलॉग तुझे पापा को कहते हुए सुना था। हाँ देखा देखा, यही सेम चीज मैं पापा को भी बोली थी। इधर बताना मम्मा की क्या क्या तारीफ की थी। हाँ अनु बोल रही थी कि अब मम्मी तो रहेंगे नहीं, पापा हमारे लिए नया ड्रेस लेंगे, आप हमें लेके जाओगे बाहर मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट खिलाने, उसमें मम्मा किस काम की, अगर हमारे रिपोर्ट कार्ड में बुरे मार्क्स आएंगे तो पापा साइन कर देंगे, उसमें मम्मी किस काम की। ये सब सुन के तो मुझे ये लगता है बोलना चाहिए ये आयुधी तो किस काम की। मम्मी मम्मी ये मजाक करिए, आप इसकी बात मत सुनो। तो चलो भी गेम्स खेलते हैं। नहीं नहीं घर की सफाई। सफाई सफाई कोई काम है? देखो तुम्हारे पापा जब भी बाहर जाते हैं आने के बाद बोलते हैं घर गंदा है, लेकिन इस बार उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए, हम लोग घर को बिल्कुल साफ करके रखेंगे। हाँ मम्मा चलो साफ सफाई करते हैं, वैसे भी अगर बेटी माँ के काम में ना हाथ बटाए तो कौन बटाएगा, फिर बेटी किस काम की। हाँ आई बेटा तू कुछ काम नहीं करती ना, जा साफ सफाई कर, मैं सोने चली। मैं ही आपकी सच्ची बेटी हूँ। ये लड़की सोती रहेगी। मैं बोर हो रही थी, क्यों ना मैं कुछ काम ही कर लूं। ये ले बर्तन लगा दे। दीदी ये तो आप कर रहे हैं ना। मुझे याद है मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है, मैं करके आती हूँ।
मम्मा। अरे कहाँ रह गई, मैं कब से खोज रही हूँ। ये देखो कपड़ा रखा है, चलो डस्टिंग करो। लेकिन मम्मा सुनो तो मेरी बात, मेरे सिर्फ आप और मैं काम करते हैं, अनु कभी भी काम में हाथ नहीं बटाती, ये नहीं चलेगा। मैं जा रही हूँ, उसे भी बुलाती हूँ, मैं अकेले नहीं करने वाली। अरे सुन तो आयो, ये लड़की भी ना। ये पिज्जा कहाँ से आया? पिज्जा? मतलब क्या है तेरा? पिज्जा फैक्ट्री से चुरा के थोड़ी लाई हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। अब क्या खा रही है तू? आयो दीदी, आप ये क्या है? चोको लावा केक खा रही। ये कहाँ से आया? वो पिज्जा था ना, उसी के साथ आया था। तू किसी काम की नहीं, कुछ काम नहीं करती, एटलीस्ट कचरा तो फेंक देती। अरे दीदी आप आई हो तो आप कचरा फेंकी दो। रुक 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 रुक, इधर वापस है, इधर वापस। अभी तक मम्मी नहीं है उठाने। अजीब बात है। अनु अनु, चलो मैं ही देखती हूँ। अरे लगता है मम्मी का बचपना वापस आ गया है, अभी तक सो रही हैं। मम्मा, अरे मम्मी का सिर तो गर्म है, बुखार आ गया है इनको तो। पापा भी घर पे नहीं है, डॉक्टर को फोन लगा लेती हूँ। हेलो। यस। मैं अनुष्का बोल रही हूँ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और पापा भी घर पे नहीं है, प्लीज जल्दी से घर पे आ जाओ ना। मैं अभी आना मेरा मुश्किल है क्योंकि देश में जो महामारी फैली है, तो मेरी ड्यूटी सेंट्रल हॉस्पिटल में लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन डॉक्टर, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, पूरा सिर गर्म है उनका। मैसेज कर देता हूँ और तुम चिंता मत करो, मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। ओके अंकल। मम्मी। अरे मम्मा तो मुझ पे गई है, मैं भी लेट रहती हूँ, वो भी लेट। शट अप अनु, मम्मी को बुखार है। क्या सच्ची में बुखार है? हाँ, डॉक्टर का मैसेज भी आया है, उन्होंने दवाई भेज दी है, चार दवाइयाँ हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदने जाना होगा। मम्मा उठो ना। अरे अरे पागल क्या कर रही है, पैसा कौन देगा? जो हमारे स्कूल के 2-3 हॉलीडेज हुए हैं ना, पॉकेट मनी से ले लेता है। मिल तो गए लेकिन सिर्फ 170 रुपया। तो फिर पर्स से ही चेक कर लेते हैं, उधर कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसको चेक करते हैं, कितने? इसमें तो सिर्फ 200 रुपए हैं, इसमें तो 3 दवाई भी नहीं आएगी। हाँ क्या करें। अरे वाह आप उठ गए, समय के समय। आपको क्या हो गया था? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट हो गई थी। और आयु तुझे क्या हुआ था, तू क्यों सो रही थी? शायद थकावट, इसीलिए बोलती हूँ तो काम मत क्या करो, बेकार में इतना काम करो, थकावट तो होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो?
और सीमा बता क्या हाल है? हाँ यार, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं तुम। मम्मा मम्मा कुछ पैसे चाहिए। अच्छा सीमा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। पापा टूर से वापस कब आ रहे हैं? मुझे पैसे चाहिए, अर्जेंट है। बट मेरे पास तो सिर्फ 800 रुपए है। 800 रुपए? 800 रुपए में क्या होगा मम्मा? अभी तो बुक्स इतने महंगे आ गए, कुछ 1-2 हजार की तो एक बुक आती है, मेरे को कुछ 3-4 हजार लगेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अजीब बात है, पैसे आने का किचन में क्यों जा रही है? खैर, और बता लूं कैसी है? पैसे कहाँ गए? हाँ भाई, तो मैंने मेरे नेल्स को ये देख पिंक एंड वाइट किया इस बार, कैसा लग रहा है? एकदम तेरे तरह। अच्छा, अरे आयु, मैंने इस डिब्बे में पैसे रखे थे, तुमने निकाले क्या? हैं? पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, इसमें पैसे कब आए? और इसमें कौन पैसे रखता है मम्मा? अनु, तुमने निकाले क्या? हाँ माँ, वो क्या है ना, एक सेकेंड, तेको पता था, तूने मेरे को बताया नहीं। अरे मैं चुराया नहीं हूँ, क्या हुआ था ना? वो क्या कर रही है? तुमने ही जरूर निकाले पैसे, मैंने मना किया था ना उस दिन, इसमें से पैसे मत निकालना। हाँ लेकिन वो नहीं है। चुप। क्या? हाँ मम्मा पक्का इसी में पैसे निकाले होंगे। अरे भी मैंने नहीं, बहाने मत कर लू। हाँ पता है मम्मा, उस दिन जब आप और मैं साफ सफाई कर रहे थे ना, तब ये लड़की आराम से पिज्जा खा रही थी, चोकोला केक खा रही थी। उसका कुछ और था वो, क्या? चुप। मैंने पूछा भी इससे कि कहाँ से आए पैसे, तो बोलती है आ गए, मैंने ऑर्डर किए, अब समझ आए कहाँ से आए पैसे। अनु तुम्हें शर्म आनी चाहिए पैसे निकालते हुए, मैं इतनी मुश्किल से पैसे बचा के रखती हूँ और तुम बिना पूछे ले ली। मम्मा इसकी बात आप सुनो मत, मैं तो बोलती हूँ ना इसको हम लोग ना ये स्टोर रूम में लॉक कर देते हैं, और जब तक ये एडमिट नहीं करती कि इसी ने चुराया है, तब इसे बाहर नहीं निकालना और खाना भी मत देना। आयु माँ सुनो तो सही। मम्मा आप इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, एकदम बात क्लियर हो गई है। आपने उसे आपके पैसे देखते हुए देखा और मैंने उसे वो पैसे खर्च करते हुए देखा, वो पिज्जा और चोकोलावा केक पर। बात क्लियर हो गई है, अब और कोई बात नहीं होगी। मैं कब से बोलना चाह रही हूँ, वो पैसे मैंने दवा में दे दिए। दवाई? हाँ दवा, और जब मम्मा की तबीयत खराब हुई थी ना और तू सो गई थी, तब डॉक्टर जी का मैसेज आया था, उसने लिखा था कि अगर मम्मा को मेडिसिन जल्दी नहीं दिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो तब मुझे याद आया कि मम्मा ने गुल्लक रखा था, हर इंडियन औरत ये कहती है कि वो अपना गुल्लक बनाती है, उसमें वो पैसे छुपाती है जिसको इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज कर पाए, और मेरे मुताबिक ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो मैंने उसी से पैसा लिया। सॉरी अनु, मुझे लगा कि वो तूने पैसे चुराए होंगे, क्योंकि तू ये पिज्जा और चोकोलावा केक खरीद खरीद के खा रही थी। सॉरी बेटा, आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि इंसान को गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अब आप लोग भी सुन ही नहीं रहे थे, और दूसरी बात जब बात है पिज्जा और मेरे चोकोलावा केक की, वो पापा ने मुझे पैसा दिया था, उनने तुझे देना भूल गए थे, बोले थे वो आएंगे तब देंगे तेरे को पैसा, तो इसीलिए मैं छुपा रही थी। It's okay, mama and are you? Mommy!